सकते हैं, हाल ही में लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आया है, संविधान खत्म करने की बात करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा करारा जवाब इस इलेक्शन ने दिया है। एनडीए की तरफ से सरकार अभी बनाई जा रही है जी, ये जो गवर्नमेंट अभी बनेगी ये स्टेबल नहीं रही, ये बैसाखी पे चलने वाली गवर्नमेंट है। स्टेट में कई माइनॉरिटीज को इन लोगों ने वादे किए थे इलेक्शन के दौरान, बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है माइनॉरिटीज को। सिद्धरामैया ने तो हिजाब के सपोर्ट में बयान भी दिया है ना, माइनॉरिटीज से रिलेटेड स्कीम थे उन पर कोई तवज्जो भी नहीं है। वो है इंदिरा कैंटीन, पूरे के पूरे कैंटीन बंद है, बीजेपी से डरा कर भी वोट मांगा जाता है। हम इतनी बड़ी कम्युनिटी, इतना बड़ा पॉपुलेशन, हम बहुत इजीली जो है अपना सपोर्ट ले जाकर के जैसे तबक में ले जाकर के पेश करते हैं उनके सामने, लेकिन आइंदा अगर आप इसी तरह करते रहेंगे तो पॉलिटिकली पूरी तरह इस कम्युनिटी को खत्म कर दिया जाएगा। किस तरह से आपने इस इलेक्शन में अपना रोल अदा किया? हम अपनी ताकत बनाएंगे, अपनी कुव्वत बनाएंगे ताकि हमारी वैल्यू को महसूस किया जा सके। आदाब दोस्तों, मैं वसीम गुलबर्गा हेडलाइंस से, आज हमारे साथ गुलबर्गा हेडलाइंस के स्टूडियो में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के कर्नाटका स्टेट प्रेसिडेंट जनाब एडवोकेट ताहिर हुसैन साहब मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं इंटरव्यू को शुरू करने से पहले मैं ताहिर हुसैन साहब का गुलबर्गा हेडलाइंस के स्टूडियो में वेलकम करता हूँ। शुक्रिया जी। ताहिर हुसैन साहब, जिस तरह से आज के पीरियड में आप देखते हैं, हाल ही में लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आया है, तो किस तरह से आप इस रिजल्ट को देखते हैं, किस तरह से एनडीए वर्सेस इंडिया का जो यहाँ पर फाइट देखी गई है, आप अपने नज़रियात इस ताल्लुक से क्या रखेंगे? देखिए, ये जो रिजल्ट आया है वाज़े तौर पर एक तरह से जो मगरूर हुकुमरान इस वक्त इस मुल्क में था उस पर एक बड़ा कारी ज़रब उस पर लगी है। तो हम ये नहीं देख रहे हैं कि इसमें कांग्रेस जीत रही है या बीजेपी हार रही है, ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। सियासत में ये सब होता रहता है, पार्टियां जीतती हैं हारती हैं, लेकिन इस बार का जो इलेक्शन था और उसके सामने जो उन्होंने चैलेंज खड़ा किया था कि हम इस मुल्क के दस्तूर को ख़त्म करेंगे, संविधान को ख़त्म करेंगे, और इलेक्शन के कैंपेन के दौरान भी बाकायदा उन्होंने इसको दावा किया था, तो लोगों ने, यहाँ की अवाम ने उसका करारा जवाब दिया है। तो ये कांग्रेस की जीत है या इनकी हार है, उससे बढ़ करके ये अवाम की जीत है। और संविधान पर जो इस तरह की उंगली उठाने या उसको ख़त्म करने की बात करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा करारा जवाब इस इलेक्शन ने दिया है। तो उस हैसियत से अगर हम देखते हैं तो ये एक तारीखी इलेक्शन रहा और एक तारीखी रिजल्ट, ये हम इसको समझ सकते हैं। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के आप कर्नाटक का स्टेट प्रेसिडेंट हैं, आप मुल्क भर में किस तरह से आपकी पार्टी ने रोल अदा किया है, क्या आप लोगों का इलेक्शन के ताल्लुक से आप क्या जहनीत रखते हैं और किस तरह से आपने इस इलेक्शन में अपना रोल अदा किया? देखिए, एक सियासी पार्टी होने की हैसियत से हमने भी तकरीबन 2-3 साल पहले से ये तय किया था कि इस मरतबा के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हम कंटेस्ट करेंगे पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन जैसे जैसे सिनेरियो बदलता गया और सिविल सोसाइटी की जानिब से जो कोशिशें हुई और मुल्क के अंदर जो माहौल बना, उससे लग रहा था कि ये इस वक्त जो है एक्सपेरिमेंट करने का वक्त नहीं है। क्योंकि अगर हम इस वक्त, ठीक है, कॉन्टेस्ट करेंगे, कहीं एक आध जगह हम जीत भी सकते हैं या एक आध जगह कहीं हमारी वजह से कुछ वोट मिल भी सकते हैं, लेकिन ये वक्त हमने महसूस किया कि ये एक्सपेरिमेंट करने का वक्त नहीं है, बल्कि सिविल सोसाइटी ने जो आवाज़ उठाई है उसको हमें साथ देना चाहिए। ये सोच को हमने अभी हाल ही में, जब इलेक्शन से तकरीबन 5 महीने पहले, हमने डिसाइड किया कि हम इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, बल्कि हम सिविल सोसाइटी का जो मोमेंट खड़ा हुआ है इस वक्त संविधान को बचाने का, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का, उसके साथ हम खड़े होंगे। तो इस तरह हमने पूरे हिंदुस्तान में सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स के इसको कैंपेन को हमने साथ दिया, हम उसका हिस्सा बने रहे, हमारे कैडर ने बाकायदा काम किया, वोट की अहमियत है और उसको वोट डालने की ज़रूरत पर जो है हमारे कैडर ने घर घर जा कर के काम किया, और इस पूरे इलेक्शन में हमने इंडिया अलायंस को सपोर्ट किया, और एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट हमने नहीं किया, बल्कि हमने एक ब्लॉक को इस हैसियत से सपोर्ट किया कि हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचना चाहिए और जमहूरियत को बाकी रहना चाहिए, इस हैसियत से हमने सपोर्ट किया। इस बार के लोकसभा इलेक्शन में आपने भी देखा है कि बीजेपी लगातार 400 पार का नारा लगा रही थी और संविधान को बदलने का बीजेपी के कई लीडर जो है ना बयानों में अपने दावा कर रहे थे, और जनता ने जिस तरह से बीजेपी को इस बार सीटों में कमी उनको दी है और इंडिया गठबंधन को काफ़ी अच्छा सपोर्ट जनता की तरफ से मिला है, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पर मेजॉरिटी नहीं मिली सरकार बनाने के लिए, और एनडीए की तरफ से सरकार अभी बनाई जा रही है। तो जिस तरह से इलेक्शन से पहले बीजेपी जो अपने वादे कर रही थी, संविधान बदलने की बातें कर रही थी और 400 पार का जो नारा लगा रही थी, अब के जो हालात हैं इस पर आप क्या देखते हैं? देखिए, 400 पार का जो नारा लगाया जा रहा था वो एक तरह का वो जो डिक्टेटोरियल जो मामला था वो उसके उरूज पर थे, और वो समझते थे कि हमने यहाँ की आवाम को इतना कंट्रोल कर लिया है
कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं इस मुल्क के अंदर। तो अवाम ने इस मुल्क की, क्योंकि ये यहाँ की स्पेशलिटी है, हिंदुस्तान की हमारी डेमोक्रेसी की स्पेशलिटी ये है कि कभी भी, इंदिरा गांधी के ज़माने में भी ये हुआ, जब वो उरूज पर पहुंची तो लोगों ने उनको अपना रास्ता दिखाया, बिल्कुल इसी तरह इस बार उम्मीद थी कि ये जिस तरह से ऊंचाई की उड़ान उड़ रहे हैं लोग इनको सबक सिखाएंगे। 400 पार का नारा तो वो एक तरह से जब वो बोल रहे थे तभी मजाक लग रहा था, सबको लोगों को भी मालूम था कि 400 पार का सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन ये खदशा ये था कि शायद ये कुछ मेजॉरिटी पार कर जाएं और इतने नंबर हासिल कर लें कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ तब्दीली की इनकी ताकत मिल जाए, ये एक खदशा लगा हुआ था। लेकिन अवाम ने जो है प्रायोरिटी को रखा, अवाम उनके धोखे में नहीं आए, हालांकि राम मंदिर का इतना बड़ा इशू उन्होंने उछाला और हिंदू मुस्लिम करते रहे हर तकरीरों में, लेकिन इन सब के बावजूद अवाम ने उनके इस झांसे में आए बगैर ये सबक दिया कि इस तरह से जो है यहाँ के अवाम को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हमारे लिए यानी अवाम के लिए जमहूरियत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, डेमोक्रेसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये सबक उन्होंने दिया। इसलिए 400 पार की तो दूर की बात, यहाँ से 250 भी वो पार नहीं कर सके और उनको उनका मुकाम लोगों ने याद दिलाया। और भी हो सकता था अगर इलेक्शन कमीशन पूरी पार्शियलिटी के साथ साथ देता और जो मिशनरी थी वो अगर पार्शियलिटी किए बगैर काम करती, अपनी ईमानदारी के साथ काम करती, तो और भी जो है इनको सबक और भी मिलता और मेरे ख्याल से शायद 150 तक ये सिमट कर रह जाते। लेकिन बहरहाल इस सब के बावजूद अपनी इतनी सारी ताकत इन्होंने इस्तेमाल की, इन सब के बावजूद अवाम ने इनको अपना रास्ता दिखाया है। जिस तरह से अपने अभी आपने राम मंदिर का जिक्र किया, वही अयोध्या की फैजाबाद जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहीं से उनको जो है ना हार का मुंह देखने को मिला है, इस पर आप क्या कहेंगे, क्या वजह हो सकती है? जी बिल्कुल, फैजाबाद के अंदर जो हार हुई है वहाँ के लोगों को अगर आप सुनेंगे तो आपको मालूम होगा कि वहाँ के लोगों को, ठीक है मंदिर एक आस्था का विषय हो सकता है, एक इशू हो सकता है, लेकिन उनकी जो रोजी रोटी थी वो छीन ली गई थी, उनके घर छीन लिए गए, उनके बिजनेस छीन लिए गए। इन्होंने राम मंदिर को एक कमर्शियल इनकम का जरिया बनाने का एक प्रोजेक्ट बनाया और उस प्रोजेक्ट के तहत वहाँ के तमाम झोपड़ियों को डिमोलिश किया, वहाँ की दुकानों को डिमोलिश किया, वहाँ के सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि वहाँ के आम जो लोग थे, हिंदू भी जो थे, वो सब इनसे बहुत नाराज थे। वो चाहते तो थे कि ठीक है मंदिर बने, लेकिन किस कास्ट पर, यानी लोगों की जिंदगियां तबाह करके बर्बाद करके आप मंदिर बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि लोग और ये समझ रहे थे कि मंदिर हमने बना दिया है, सारे दुनिया में और सारे मुल्क में वाहवाही हो रही है, ग्राउंड से ये वाकिफ नहीं रहे कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या पक रहा है, इन्होंने इसको नहीं देखा और इतने मगरूर हो गए थे कि मंदिर तो बन गया है तो लोग तो वोट देंगे ही देंगे। अब आप ये भी देख रहे होंगे कि जो अयोध्या के लोग हैं जिन्होंने फैसला किया, उनको इनके कुछ शरपसंद लीडर जो है उनको गालियां देना या उनको कोसना और उनको देश विरोधी कहना, हिंदू विरोधी कहना, इस पास से कुछ परचेस करने के लिए मना करने बायकॉट करने की बात करना, इस तरह की चीजों पर भी उतर आए हैं। तो ये फ्रस्ट्रेशन है, तो लोगों ने जो है अपना दुख जाहिर किया है, अपना दर्द जाहिर किया है इस इलेक्शन के जरिए से, इस रिजल्ट के जरिए से। देखिए जिस तरह से इलेक्शन से पहले एनडीए वर्सेस इंडिया दोनों की तरफ से अपनी अपनी गारंटियां पेश की जा रही थी, एक तरफ थी इंडिया गठबंधन की गारंटी, एक तरफ मोदी की गारंटी वहां पर बताई जा रही थी। वैसे तो आप इंडिया गठबंधन की तो सरकार बनना फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है, तो जिस तरह से एनडीए अपनी सरकार बनाने जा रही है तो मोदी की जो गारंटीज थी उस पर आप क्या कहेंगे, क्या आवाम को इसका फायदा मिलेगा? जी ये जो गवर्नमेंट अभी बनेगी ये स्टेबल नहीं रहेगी, क्योंकि एक तरह से ये इसकी एक टांग टूट चुकी है, अब ये बैसाखी पे चलने वाली गवर्नमेंट है, दो बड़े इनके जो अलाइज हैं वो जब तक इनको सपोर्ट देते रहेंगे तब तक ये गवर्नमेंट चलेगी। और हम जानते हैं कि ये जो दो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, दो पार्टियां, इनका पिछला हिस्ट्री क्या है, इनका कैरेक्टर क्या है, ये भी हम जानते हैं, किसी भी वक्त ये पलट सकते हैं। तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि मोदी जो ने जो अपनी गारंटियां दी थी वो किसी भी सूरत में फुलफिल कर सकते हैं, बल्कि ये गवर्नमेंट जो है चलेगी। आप देख रहे हैं जिस दिन से ये एनडीए हुकूमत बनाने की बात कर रहे हैं, जब से एनडीए ऊपर आ रहा है, मोदी नहीं है अब, तो उससे बढ़कर आप देखेंगे कि संविधान को सर पर उठाने की के नजारे भी आप देखेंगे। तो ये अवाम ने उनको दिखाया है कि इस तरह अगर आप इस मुल्क में लोगों के साथ छेड़खानी करेंगे तो क्या अंजाम हो सकता है। और ये जो गवर्नमेंट है, मैं फिर दोबारा उससे कहना चाह रहा हूँ कि ये स्टेबल नहीं रहेगी, इसकी उम्र 6 महीने भी हो सकती है, इसकी उम्र 1 साल भी हो सकती है, लेकिन ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से और इख्तलाफात की वजह से हुकूमत गिरने वाली। अच्छा, जिस तरह से अभी आपने बताया ये जो दो अलायंस हैं जिसकी वजह से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, आगे चलकर अगर ये फिर से दोबारा वहां से अपना नाता तोड़कर इंडिया के साथ अगर आकर ये फिर से इंडिया की अगर सरकार बनाएंगे तो क्या आपको क्या लगता है कि जिस तरह से इंडिया ने जो वादे किए थे अपनी गारंटीज के तहत, हर महिला को 8,500 रुपये देना, ये तमाम चीज़ें
फुलफुल होंगे क्या, उससे महरूम रह जाएंगे लोग? नहीं, जाहिर सी बात है कि जब कोलिशन गवर्नमेंट बनती है तो किसी एक पार्टी का मैनिफेस्टो चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। गो के कांग्रेस ने बड़े बड़े दावे किए, बड़े बड़े गारंटीज की हैं, लेकिन कांग्रेस ने वो अपने बलबूते पे किया था। आपने ये जो कमी महसूस की है, हम जो समझते हैं कि इंडिया अलायंस का कलेक्टिव मैनिफेस्टो नहीं था, सबने अपनी अपनी पार्टी की तरफ से वादे किए थे, तो इंडिविजुअल जो वादे हैं वो कोलिशन गवर्नमेंट पूरे नहीं किया जा सकते। अगर कांग्रेस को फुल फ्लेज मेजोरिटी मिली होती या फिर कम से कम मेजोरिटी मार्क के करीब भी होते तब वो अपने वादों को पूरे कर सकते थे, लेकिन अब ये उम्मीद लगाना बहुत मुश्किल है कि ये लोग अपने वादे पूरे करेंगे, बल्कि गवर्नमेंट चलाना खुद एक सर्कस की तरह रहेगा, तो वो उसी की तरफ तवज्जो देते रहेंगे। हाँ, इससे हटकर आप जिस तरह से आप कर्नाटक स्टेट के प्रेसिडेंट हैं WPIA के, तो यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी है स्टेट में, तो जिस तरह से इनके जो गारंटीज थे, पायंस गारंटीज को ये पूरा करने का दावा पेश कर रहे हैं और पूरा करते आ रहे हैं ऐसा बताया जा रहा है, तो इसको किस नज़र से आप देखते हैं? इसके अलावा और भी कई माइनॉरिटीज़ को इन लोगों ने वादे किए थे इलेक्शन के दौरान, और माइनॉरिटीज़ में मुसलमानों ने खुलकर इनको सपोर्ट किया है, तो क्या किस तरह से ये माइनॉरिटीज़ के वादों को पूरे करे हैं और गारंटीज़ को जिस तरह से पूरा करने का दावा कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कर्नाटक के अंदर भी इस तकरीबन यही सिनेरियो बना हुआ था कि यहाँ BJP पूरी तरह करप्शन में डूबी हुई थी और फिरका परस्ती बढ़ गई थी, हर तरफ जो है एक फसाद का माहौल चल रहा था, तो लोगों के सामने और यहाँ की जो सिविल सोसाइटी है, यहाँ की जो तंजीमें हैं, उनके सामने एक एजेंडा था कि किसी भी तरह से इस BJP गवर्नमेंट को हटाना है, और ऐसे में हम सबको एकजुट होकर, यूनाइट होकर के एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, ये इस जहन के साथ कांग्रेस को लाया गया और कांग्रेस की गवर्नमेंट भी बनी। कांग्रेस ने अपने इलेक्शन के रैलियों में बहुत बड़े बड़े वादे किए, गारंटियों का वादा भी किया, और ख़ास करके माइनॉरिटीज़ के साथ वादे किए गए। गारंटीज़ की तो बात कुछ हद तक चल रही है, और मैं नहीं कह सकता कि अब ये इलेक्शन के बाद इसका क्या अंजाम होने वाला नहीं है, क्योंकि उनके सामने पार्लियामेंट इलेक्शन भी था, इसलिए उन गारंटियों को कंटिन्यू करना भी ज़रूरी था, तो इसलिए किए होंगे या फिर आगे कर भी सकते नहीं भी कर सकते। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है इस कांग्रेस गवर्नमेंट का, वो ये कि माइनॉरिटीज़ के साथ बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है माइनॉरिटीज़ को। आप तकरीबन 88-90% वोट उनके हासिल कर रहे हैं, और आपको जब वोट की ज़रूरत है तो उनके दरवाजे पे भी आप जा रहे हैं, उनकी मीटिंगों में आप जा रहे हैं, और जैसे ही आप इलेक्ट होके आ जाते हैं, जो वही पुरानी चाल जो बेढंगी सी थी अभी वही है की तरह, आप पूरी तरह कम्युनिटी को इग्नोर कर रहे हैं। आप देखिए कि माइनॉरिटीज़ की स्कीम की बात आती है, माइनॉरिटी के हकूक़ की बात आती है, तो फौरन BJP जो है वहाँ से एक शोशा छोड़ती है कि कांग्रेस मुसलमानों का अपीजमेंट कर रही है, और कांग्रेस गवर्नमेंट जो है उसको डट कर ये कहने के बजाय कि हम मुसलमानों का अपीजमेंट नहीं कर रहे हैं बल्कि उनका हक उनको दे रहे हैं, ये कहने की हिम्मत कांग्रेस के अंदर नहीं है। जबकि इतना बड़ा वोट शेयर आप हासिल कर चुके हैं, आप छोटी छोटी बातों पर वहाँ से जैसे ही एक कोई CT रवि कह देता है, कोई अशोक कह देता है, तो फौरन जो है आप डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं, आप इतनी बड़ी कम्युनिटी को उसका हक देने के लिए आप पीछे हटते हैं। इसी का नतीजे हम देख रहे हैं कि स्कॉलरशिप के स्कीमें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, माइनॉरिटी के जो इदारे हैं उनकी हालत आप देखिए कि वो किस हालत में पड़े, उर्दू एकेडमी अब तक आप पूरी तरह उसको सपोर्ट नहीं कर पाए, और इस तरह जितने भी मुसलमानों की और माइनॉरिटी से रिलेटेड जो स्कीम थे उन पर कोई तवज्जो भी नहीं है। अगर कोई रिजर्वेशन की बात की गई थी, लेकिन वो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, उस पर कोई बात नहीं की जा रही है, और कांग्रेस जो है इस वक्त BJP जो नैरेटिव सेट की हुई है उसके तहत काम कर रही है, डिफेंसिव मोड में कांग्रेस जो है। हालांकि फुल मेजॉरिटी होने के बावजूद डंके की चोट पर ये कह सकती थी कि जिस तरह अदर कम्युनिटीज को उनका हक दिया जा रहा है, इसी तरह मुसलमानों को उनका हक दिया जा रहा है ये कह करके वो डिफेंस वो उसको सही ये कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस जो है वो हमेशा। सिद्धरामैया ने तो हिजाब के सपोर्ट में बयान भी दिया है ना, हिजाब पहनकर डा सकते हैं, फिर किस तरह से वो तकरीबन वो बता रहे हैं कि हम मुसलमानों के सपोर्ट में हैं, मुसलमानों को उनका हक दिलाएंगे, और हिजाब पर भी उनका सपोर्ट में बयान आया। गैर जरूरी है, देखिए हिजाब पर ना कोई कानून बना था BJP गवर्नमेंट में, ना आप कोई कानून तोड़ने की जरूरत है, वो तो हिजाब की मुखालिफत एक जज्बे के तहत की गई थी, एक उसको ये बनाया गया था कि एक मुसलमानों से रिलेटेड चीज़ है, इसलिए बनाया गया था, कोई कानून उस वक्त नहीं बनाया गया था। ये कहा गया था कि आप स्कूलों में हिजाब पहनकर नहीं आ सकते, लेकिन वो उसको एक इलेक्शन इशू बनाया गया, कोर्ट में चल रहा है ना, चल रहा है मामला, लेकिन उसको हम इजाजत देंगे नहीं देंगे ये कहने की जरूरत ही नहीं है। वो जैसे ही मामला खत्म होगा, ऑलरेडी स्कूलों में जो है हिजाब के साथ लोग जा रहे हैं, बच्चियां जा रही हैं, उस पर किसी को कोई एतराज नहीं है, मसला वो नहीं है, मसला वो तो एक जज्बाती इशू है। मसला ये है कि मुसलमानों की जो बुनियादी चीजें हैं,
एजुकेशन है, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट है, और उनके लिए जो स्कीमें हैं उसको अपने बजट में भी आप देखिए कितना आपने पैसा उसमें दिया है। लास्ट बजट में जो है 50% से ज्यादा लैप्स हो गया पैसा, इस्तेमाल भी नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें हैं जो जिसकी असल जरूरत है उस पर हुकूमत कुछ बात नहीं करती है, उस पर कोई वादा नहीं करती है। इस तरह की जज्बाती चीजों पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, आप भी एक स्टेटमेंट देंगे, इस स्टेटमेंट से कुछ होने वाला नहीं। जिस तरह से कर्नाटक में आप लीजिए, कांग्रेस गवर्नमेंट बनने के बाद वो महिलाओं को फ्री बस देने का दावा करते हुए अपनी सरकार चला रहे हैं, घर की बड़ी औरत को 2000 रुपये देने की बात करके अपनी सरकार चला रहे हैं, राशन देने की बात कर रहे हैं, इससे हटकर क्या जनता के लिए ये तमाम बस 2000 रुपये देना बस यही गवर्नमेंट का काम है, या स्कूलों के ऊपर भी तवज्जो देना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ऊपर तवज्जो देना है? आप देख सकते हैं आज जो हालात हैं गवर्नमेंट स्कूल और खासकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के, उसके ऊपर सरकार तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। और एजुकेशन के मामले में आप देखते हैं प्राइवेट जो भी एजुकेशन सेक्टर हैं और वहाँ पर गरीब बच्चे पढ़ना बहुत मुश्किल हो गया है, गवर्नमेंट स्कूल और हॉस्पिटल की हालत खस्ता होते जा रही है, इस पर गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही। नहीं बिल्कुल, ये जो स्कीमें हैं गवर्नमेंट की ठीक है, अच्छा है, उससे कुछ एक सेक्शन को फायदा जरूर हो रहा है, लेकिन ये बेसिक चीजें नहीं है। ये तो स्कीम है जिसके तहत आप कुछ पैसे देंगे, इससे उनके सारे मसाइल हल नहीं होंगे। उनके जो बेसिक चीजें हैं वो उनका सड़क का मसला है, उनके पानी का मसला है, उनका हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मसला है। ये जैसा कि आपने कहा, हमने भी उसके कई जगह सर्वे भी किए, हमने आरटीआई से उसकी मालूमात भी मंगाई है, तो बिल्कुल सूरत हाल बहुत खस्ता है। इन चीज़ों पर गवर्नमेंट की अभी तक कोई तवज्जो नहीं है। अभी हमने एक इशू यहाँ क्या, हम गुलबर्गा में उस पर हम काम करने वाले हैं, ऑलरेडी हमने उस पर आरटीआई मंगाया है, वो है इंदिरा कैंटीन, उसका भी वादा किया गया था, इतने सारे मजदूरों को उसके जरिए से, गरीबों को उसके जरिए से फायदा होता है। यहाँ मालूम हुआ है कि पूरे के पूरे कैंटीन बंद है। तो इस तरह के बेसिक इश्यू हैं जिसके जरिए से आम लोगों को जरूरत पड़ती है, आम लोग। अभी किसानों का मसला आप देख लीजिए, किसानों को सिर्फ ब्लेम गेम ही चल रहा है कि सेंटर ने नहीं दिया, हम नहीं दिए, हमको देना चाहिए था, सेंटर कहता है उनको देना चाहिए था, लेकिन बेचारा फंसा हुआ किसान है अभी तक जो है, उसको वो खाद साली के दौरान जो पैसे देने का वादा किया गया था अभी तक नहीं दिए गए। तो ये बुनियादी इश्यूज हैं जिस पर कांग्रेस गवर्नमेंट भी अभी तक काम नहीं कर रही है। मैं जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि कांग्रेस गवर्नमेंट भी सिर्फ डिफेंसिव मोड में इस वक्त चल रही है, जो अपोजिशन की जानिब से हमला होता है उसका जवाब दिया जाता है, और अपोजिशन भी उसको इसी में उलझाया हुआ है कि आपने 5 गारंटियों का वादा किया था, दे रहे हैं नहीं दे रहे, वो उसी में उलझ कर रह गए। बेसिक जो चीजें हैं लोगों की उस पर अभी तक तवज्जो गवर्नमेंट की नहीं है। जिस तरह से आपने बेसिक जो जनता की जो नीड्स हैं उसकी आपने अभी जिक्र किया, तो WPI की तरफ से आप लोग इन तमाम चीज़ों पर क्या काम कर रहे हैं, स्टेट में हो या डिस्ट्रिक्ट, अतराफ के डिस्ट्रिक्ट में आपकी टीम मौजूद है, किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं इन चीज़ों पर? देखिए, हमने पूरी रियासत में एक इलेक्शन के पहले से ही हमने काम शुरू कर दिया था, इलेक्शन के बाद बहुत तेज़ी उसमें ला रहे हैं। तीन चीज़ों पर हम अपनी तरफ अपने इस पर तवज्जो दे रहे हैं, एक तो हम ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा एजिटेशन और तीसरा इलेक्शन, इन तीन एजेंडे के तहत हम काम कर रहे हैं। तो सबसे बुनियादी चीज़ जो उसमें है वो है एजिटेशन, और हर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ की जो प्राइम इश्यूज हैं उसको हमने लिस्ट आउट किया है, उसके तहत हमारे कैडर को हमने कहा है कि इस पर आवाज़ उठनी चाहिए और उसको एजिटेशन के लेवल पर ले जाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक मेमोरेंडम दे के खामोश बैठना नहीं है, उसको अंजाम तक पहुँचाने तक काम करना है। इसकी ट्रेनिंग और इसकी तरफ तवज्जो हम अपने कैडर को पूरे स्टेट में दिला रहे हैं। ये जो हमारे अभी दौरे शुरू हुए हैं ये इसी को उसको कंटिन्यू करने के लिए और उसकी तरफ तवज्जो दिलाने के लिए हम ये दौरे कर रहे हैं, और पूरी रियासत में हम ये एक स्ट्रांग अपोजिशन की हैसियत, वो कि हमारी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वो पोजिशन नहीं है, लेकिन अवाम के इश्यूज को लेकर के, अवाम के मुद्दों को लेकर के हम हमेशा हुकूमत के खिलाफ बात करते रहेंगे, और जब तक इश्यूज को रिजॉल्व नहीं किया जाएगा उस वक्त हमारे कैडर को हमने काम पे लगने का की तरफ तवज्जो दिलाई है। जिस तरह से आप एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हैं, तो जैसे एक तरफ बीजेपी धर्म के नाम पर वोट मांगते नजर आती है और दूसरी तरफ बीजेपी से डरा कर भी वोट मांगा जाता है, तो ऐसे सियासी मैदान में आप अपने आप को कब तक स्टैंड करेंगे, किस तरह से आप असेंबली में और पार्लियामेंट में आवाज उठाने के काबिल बनेंगे, क्या हालात पेश आएंगे? देखिए, अब ये मामला खत्म हो गया। एक जो चीज जिससे डराया जाता था और जिसको डरा करके ये कहा जाता था कि अगर आप इलेक्शन में खड़े होंगे, आप वोट लेंगे तो फिरखा परस्त आ जाएंगी, सेकुलर वोट डिवाइड हो जाएगा, ये सब अब जहां तक जा सकता था उसके अंजाम को पहुंच चुका है। अभी जो रिजल्ट आया है उसने ये साफ बता दिया है कि इससे आगे और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हम अपने कैडर से भी और लोगों से भी ये कह रहे हैं कि अब आपको अपना पावर बढ़ाना चाहिए। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आम खास करके मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को जो है वो अपनी कदर को समझना चाहिए, वरना आप देखिए
कम परसेंटेज के लोग भी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कम परसेंटेज के लोग भी अपने मुतालबात मनवा लेते हैं, इसलिए कि वो पॉलिटिकली एम्पावर है। वो जितने चाहे उतने एमएलए अपनी कम्युनिटी के बनवा सकते हैं, वो अपना सीएम भी बनवा सकते हैं। हम इतनी बड़ी कम्युनिटी, इतना बड़ा पॉपुलेशन, हम बहुत इजीली जो है अपना सपोर्ट ले जाकर के, जैसे तबक में ले जाकर के पेश करते हैं उनके सामने, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक वक्त था, मजबूरी थी, देना पड़ा, दे सकते हैं, लेकिन आइंदा अगर आप इसी तरह करते रहेंगे तो पॉलिटिकली पूरी तरह इस कम्युनिटी को खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए हमारी आवाम से अपील यह है कि आप अपनी कम्युनिटी के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस को और पॉलिटिकली एम्पावर करने के सिलसिले में तवज्जो देना चाहिए, और यही रास्ता है जिससे निकल करके हम अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वेलफेयर स्टेट का, उसमें जिसमें हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट में जो कहा है वो यही है कि वेलफेयर स्टेट में इस मुल्क के तमाम शहरियों को बराबर के हकूक मिलना चाहिए। आप जस्टिस का सिस्टम देख रहे हैं कैसे है, तो हम चाहते हैं कि सबको इंसाफ मिले, सबको जस्टिस मिले, तो ये उसी वक्त हो सकता है जब आप पॉलिटिकली एम्पावर हो। तो हम यही नारा और यही मैसेज लोगों से दे रहे हैं, यही अपील उनसे कर रहे हैं कि सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को पूरी तरह अपना सपोर्ट बगैर किसी बार्गेनिंग के देने के बजाय हम अपनी ताकत बनाएंगे, अपनी कुव्वत बनाएंगे, ताकि हमारी वैल्यू को महसूस किया जा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया, और जिस तरह से आपने मौजूदा सियासी हालात पर अपनी राय रखी, तमाम चीज़ों पर आपने बात किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आखिर में गुलबर्गा हेडलाइंस के व्यूवर्स को सियासी मौजूदा हालात पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूं कि इस मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो ये था कि यहाँ के संविधान को, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना था, या उस पर जो हमला हो रहा था उसको रोकने की ज़रूरत थी। वो हमने सिविल सोसाइटी ने और लाइक माइंडेड पॉलिटिकल पार्टीज ने, हम सब ने मिलकर किया है, लेकिन आइंदा दिनों में हम सबको मिलकर के अपने आप को सियासी तौर पर मजबूत करने की ज़रूरत है, अपनी ताकत को मनाने की ज़रूरत है, और इस मुल्क की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जिस तरह का रोल हमने अब तक अदा किया है उसी तरह का रोल आइंदा भी हमको अदा करना चाहिए, ताकि इस मुल्क को हम एक सेफ अडोप बना सकें, यहाँ एक अमन का गहवारा इसको बना सकें।